सो देखिए, आज हम लोग का नया सिलेबस इंग्लिश का पहला क्लास है। नया सिलेबस में जो इंग्लिश हम लोग का है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, ये बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए, एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास। क्लियर भाइयों और बहनों, आज पहला पोएम हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। क्या नाम है बोलो? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसको लिखा किनने है? इसको लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर जी ने। रवींद्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता को लिखा है। ये कविता क्या है, इसका क्या डीप मीनिंग है, वो सब है। कोचिंग का जो स्टडी मैट है उसमें भी पेज नंबर 39 में आपको ये मिल जाएगा। कोचिंग का जो स्टडी मैट है उसमें पेज नंबर 39 में आपको ये पोएम पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ये अभी हम लोग बोर्ड पे स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए कलरफुल करके बनाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते गाइस। देखिए ये कविता क्या है, एकदम एक एक लाइन में मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस कविता को रवींद्रनाथ टैगोर जी ने तब लिखा था जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे। इस कविता को रवींद्रनाथ टैगोर जी ने तब लिखा था जब हम लोग इंडिया नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया थे। एंड एक्चुअली इन दिस पोएम यू विल कम टू नो अबाउट द इंडिया ऑफ टैगोर्स ड्रीम। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने एक सुंदर भारत का सपना देखा था। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी के हिसाब से हमारा जो भारत होगा, हमारा जो देश होगा, वो कैसा होगा? व्हाट माई कंट्री वुड लुक अलाइक वेन वी गेट द फ्रीडम। जब हम लोग को आज़ादी मिलेगा तो हम लोग का देश कैसा होगा, वो कौन कौन से चीज होंगे जो रवींद्रनाथ टैगोर जी ड्रीम करते हैं। तो एक्चुअली इन दिस पोएम इज टॉकिंग अबाउट द कंट्री ऑफ हिज ड्रीम। इस कविता में वो बात कर रहे हैं एक ऐसे देश का जो रवींद्रनाथ टैगोर देखना चाहते हैं। वेन वी गॉट द फ्रीडम, जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो आज़ादी के बाद उनका एक सपनों का भारत कैसा होगा। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने जो सपना देखा था, वो जो इंडिया है हम लोग का, वो कैसा होगा? रवींद्रनाथ टैगोर के सपनों का भारत कैसा होगा? हाउ आर कंट्री वुड लुक अलाइक, हमारे देश के लोग कैसे होंगे, लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज होगा, वो सारा बात इस कविता में किया गया है। तो दिस इज एक्चुअली अ पैट्रियोटिक पोएम, याद रखिएगा। कौन सा पोएम? यहीं से क्वेश्चन शुरू हो गया, जल्दी बताओ। ये एमसीक्यू पेपर तो किस टाइप का पोएम है बोलो? और अगर आप देशभक्त हो, अगर आप देश से प्यार करते हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात समझे ना? पैट्रियोटिक पोएम, कौन सा पोएम बताइए? पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है? देशभक्त, देश से प्यार करने वाला आदमी को बोलते हैं पैट्रियोटिक। क्या बोलते हैं वो बताइए? पैट्रियोटिक। तो दिस इज पैट्रियोटिक पोएम। कैसा पोएम बताइए? पैट्रियोटिक पोएम। रग रग में देश समाया हुआ था। रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पहले ही बोला कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द नोबेल प्राइज। सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है दुनिया में नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज जीतने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे भारत के, रवींद्रनाथ टैगोर जी। देखिए तो रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता को लिखा है, और ये कविता एक पैट्रियोटिक पोएम है। वेयर यू विल कम टू नो अबाउट द ड्रीम दैट रवींद्रनाथ टैगोर हैज सीन फॉर द इंडिया। ये वो सपनों का भारत है, ये वो लोग होंगे कि मेरा देश कैसा होगा। मेरा देश कैसा होगा? तो मेरा देश ऐसा होगा। मेरा देश कैसा होगा? तो मेरा देश ऐसा होगा। मेरे देशवासियों के अंदर क्या होगा? मेरे देशवासियों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगे। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होंगे, कैसा होगा मेरा देश, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बुक का ही पेज निकालते हैं ताकि देखने में सुविधा होगा। पेज नंबर, चलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके आ जाओ, बुक से पेज निकालेंगे ना, समझने में सुविधा होगा देखने में। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश, चलिए वाह। देखिए पेज नंबर 39 में है, वो आते रहेगा बाबू, वो बात समझे ना, वो नॉर्मल चीज़ है। देखिए कितना सुंदर से
रेडी? चलो तो कोचिंग का बुक खोल दिए, इससे आपको समझने में लाइन टू लाइन हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे और आपको समझाएंगे तो आपको सुविधा होगा। देखिए इतना ही बड़ा पोएम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए रेडी, दो क्लास का टॉपिक आज पढ़ाएंगे, अगला दिन एमसीक्यू सब करवाएंगे, ठीक है? चलो आओ रेडी ना। देखिए भाइयों और बहनों, चलो देखो तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक एक लाइन करके। तो एक्चुअली इन दिस पोएम यू विल कम टू नो अबाउट द कंट्री ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर्स ड्रीम। रवींद्रनाथ टैगोर के हिसाब से इंडिया क्या होगा, कैसा होगा और हम लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगे। उन्होंने कहा था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर से ही पोएम स्टार्ट है, वेयर से स्टार्ट है मतलब ही इज एक्चुअली ड्रीमिंग अबाउट अ कंट्री। वो कहते हैं कि मेरा जो देश होगा वो ऐसा देश होगा जहां पर हम लोग विथाउट फियर रह रहे होंगे, किसी तरह का डर नहीं होगा, लोग डरे हुए नहीं होंगे। क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में जब अंग्रेज लोगों के हम लोग गुलाम थे उस समय क्या था, हम लोग डर डर के जिंदगी जीते थे। कैसे जिंदगी जीते थे बाबू, बताइए? डर के। तो अंग्रेजों के टाइम में हम लोग डर डर के रहते थे। कैसे रहते थे बाबू? डर डर के, एकदम डरा हुआ रहते थे। कैसे रहते थे बाबू? डरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया एक ऐसा देश होगा, हमारा देश ऐसा होगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सपना उन्होंने कई साल पहले देखा था एक्चुअली आज का इंडिया हम लोग का ऐसा ही। आज अगर आप देखोगे तो हम लोग का देश में ये सारे क्वालिटीज है जो उन्होंने कभी इमेजिन किया था। ही इमेजिन्ड अबाउट द ब्यूटीफुल इंडिया एंड वो इंडिया आप आज देखते हो अपने देश में। पहला, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एक ऐसा देश होगा जहां लोग फियरलेस होंगे। फियरलेस मतलब कायर लोगों का कोई जगह नहीं होगा हमारे देश में, कायर डरपोक कमजोर लोगों का हमारे देश में कोई जगह नहीं होगा। सारे लोग मजबूत होंगे, सारे लोग डर के बिना रह रहे होंगे, किसी के अंदर डर नहीं होगा, डर से कोई डरपोक नहीं होगा। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेड इज हेल्ड हाई का मतलब वी ऑल शुड बी स्टेइंग विद रिस्पेक्ट एंड लव एंड डिग्निटी। उन्होंने कहा कि हम लोग सारे लोग सम्मान से रह रहे होंगे अपने देश में, सर उठा के जी रहे होंगे। और यहाँ पर हेड इज हेल्ड हाई का मतलब रिस्पेक्ट डिग्निटी। अभी अपना देश है हम लोग का, प्राउड से इंडियन है हम लोग, गर्व से रहते हैं। कैसे रहते हैं बाबू? गर्व से। जल्दी बताइए उन्होंने क्या कहा था हम लोग का देश कैसा होना चाहिए? जल्दी बताइए हम लोग देश के लोग डरपोक होंगे या फियरलेस होंगे? हम लोग देश के लोग बेइज्जती से रह रहे होंगे ना सम्मान से जी रहे होंगे? देखिए आप लोग सभी लोग इंडिया में कैसे जीते हो, सम्मान से रहते हो। कोई आपको बेइज्जती करता है रास्ते में? सम्मान से रहते हो, सर उठा के जीते हो। और कितना खूबसूरत देश है हम लोग का, देख लीजिए। वे नॉलेज इज फ्री, बोला मेरा देश एक ऐसा देश होगा जहां पे नॉलेज फ्री होगा। अब आप सोचोगे नॉलेज फ्री, एक ऐसा लाइन है। पहले जमाना में ना नॉलेज फ्री नहीं था, नॉलेज मतलब एजुकेशन वॉज नॉट फ्री। तो अब आप बोले सर अभी फ्री कहाँ है, अभी दोनों पैसा देखे आपका स्पर्ड। यहां पर इस फ्री का बात नहीं किए, वो नॉलेज इज फ्री मतलब समझ रहे। इन ओल्ड टाइम नॉलेज व एजुकेशन वॉज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए पढ़ाई अवेलेबल नहीं था। इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा था पहले। अनटचेबिलिटी समझते हो? छुआछूत, छुआ यस, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई छोटा कास्ट का आदमी किसी को छू देता था तो बड़ा कास्ट का आदमी उस गिलास में पानी नहीं पीता था, इतना ज़्यादा देश में अनटचेबिलिटी था। जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग गरीबों के साथ शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, चीट करते थे। उन लोगों को पढ़ने लिखने, आप लोग ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत सारा मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है, आप अगर कभी देखोगे तो उसमें आप देखोगे कितना ज़बरदस्त तरह से लोग एक्सप्लॉयटेशन करते थे। कोई छोटा कास्ट का है, बच्चा है, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ना ना ना, ऐसा देश मेरा नहीं होगा। मैं एक ऐसे देश के बारे में बोल रहा हूँ जहाँ पर नॉलेज वुड बी फ्री, दैट सिंपली मीन्स एजुकेशन विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, दैट मीन एवरी वन ऑफ माई कंट्री विल बी एजुकेटेड। हमारे देश का हर एक बच्चा बच्चा शिक्षित होगा। देख लीजिए बच्चा बच्चा शिक्षित है, आप लोग सब शिक्षित हो। तो वेयर द नॉलेज इज फ्री, फ्री मतलब समझ गए, नॉलेज फ्री मतलब एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। एक एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश में हम लोग रह रहे होंगे जहां पर पूरा दुनिया टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होगा। पीपल विल बी स्टेइंग विद द फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, लोग एक भाईचारा के साथ रह रहे होंगे, एक दूसरे से बॉन्डिंग के साथ रह रहे होंगे। पूरा देश में पीस होगा, हारमोनी होगा, लव होगा, रिस्पेक्ट होगा। देखिए है तो हम लोग का देश में पीस है, सुकून है, जिंदगी में चैन है, और क्या चाहिए। उसके बाद बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स
एंड आवर कंट्री विल नॉट बी डिवाइडेड बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. यहां पे नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या है? या नैरो डोमेस्टिक वॉल रेफर्स टू द थिन लाइन. थिन लाइन मतलब वो जो पतला पतला सोच है, वो जो नैरो आपका सोच है, वो जो छोटा छोटा आपका सोच है, किस चीज का, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब जो आपका गंदगी है आपका मन में, वो गंदगी हम लोग का देश में नहीं होगा. हियर नैरो डोमेस्टिक वॉल रेफर्स टू द ओल्ड थॉट्स, द नैरो माइंडसेट्स, नैरो मेंटालिटीज. ऐसे लोग हम लोग के देश में नहीं होंगे जो लोग घटिया सोच रहे होंगे, जिनका सोच छोटा होगा, जिनका माइंडसेट घटिया होगा, ऐसे लोग हम लोग के देश में नहीं होंगे. देखिए, तो हम लोग कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पे बटे हुए नहीं होंगे. वी ऑल विल नॉट बी डिवाइडेड इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर. ये सब एक छोटा सा नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब वो जो सोच है, पुराने जमाने का सोच है, कास्ट का नाम पे, धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, उसको उन्होंने क्या से इंडिकेट किया है? नैरो डोमेस्टिक वॉल. तो पहले आपको यहाँ तक बताइए, फिर हम आगे बोलते हैं. जल्दी बताइए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो पोएम है उसको लिखा किसने? देखो ना, ऐसे ही आंसर निकलेगा. कौन लिखा बोलो? बोलो ना. रविन्द्रनाथ टैगोर. अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर. ये लव पोएम है क्या? रोमांटिक पोएम है? ये रोमांटिक पोएम है. ये क्या है? पैट्रियोटिक. पूछेगा एमसीक्यू में, आपको मजाक लग रहा है मेरा बात. एमसीक्यू में ऐसे रहता है कि पोएम, जैसे अभी सेमेस्टर टू का इंग्लिश पढ़ा है, रोमांटिक पोएम था, एकदम पूरा प्यार मोहब्बत वाला कहानी. आप लोग आए होंगे क्लास में, थोड़े पोस्टर देखे होंगे आप, खाली प्यार वाला बात हुआ, पूरा बच्चा लड़का तो रोने लग गया क्लास में, उसका आँख में आंसू आ गया कविता सुन ली. बोले वाह, आप लोग अभी सिलेबस में है एक जोड़ो प्यार वार वाला कहानी. देखिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है तो अच्छा. उसके बाद अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, हम लोग एक ऐसा देश में रहेंगे जहाँ पे डर से रहेंगे क्या? अच्छा अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से हम लोग माथा झुका करेंगे ना, माथा उछा करके और हम लोग सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ देश में रह रहेंगे. अच्छा बताइए, हम लोग का देश में नॉलेज बिक रहा होगा बाजार में या फ्रीली अवेलेबल होगा? फ्रीली मतलब इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन. अच्छा बताइए, हम लोग का देश में हम लोग क्या बटे हुए होंगे कि यूनिटी से रह रहे होंगे? यूनिटी फ्रेटर्निटी से हम लोग रह रहे होंगे. वेरी गुड यार. उसके बाद वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, एक ऐसा देश होगा हम लोग का जहां पे हर एक आदमी सच बोल रहा होगा, सारे सच्चे लोग होंगे आप लोग के जैसे, जिनके हर एक शब्द से सच्चाई निकल रहा होगा. एक ऐसा देश होगा हम लोग का जहां पे आप लोग जैसे सच्चे सच्चे लोग होंगे, जहां पे झूठों का कोई जगह नहीं होगा. हम लोग देश में हर एक आदमी सच बोलने वाला आदमी होगा. देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. जैसे आप लोग झूठ कभी नहीं बोलते जिंदगी में, तो उसी तरह का इंडिया का उन्होंने कल्पना किया था. वो आप लोग जैसा ही देशवासी चाहते थे कि भाई देश के लोग ऐसे होंगे जहाँ पर सब सच्चे लोग होंगे, आप लोग की तरह कभी झूठ नहीं बोलना, सच की दिल की गहराइयों से सच कहते हो आप. वाह, वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन. हमारे देश के जो लोग होंगे, अपने देशवासियों का बड़ाई कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो लोग होंगे वो लोग टायरलेस होंगे. टायरलेस मतलब ना थकने वाला. एंड दे ऑल शुड बी वर्किंग हार्ड टू अचीव द परफेक्शन. इंडिया के सारे लोग मेहनती होंगे जो कि अपना गोल को अचीव करने के लिए, अपना परफेक्शन को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे होंगे. तो ही इन द फर्स्ट लाइन ही टॉक्स दैट वी विल बी, हम लोग सच बोलने वाले लोग होंगे. सेकेंड लाइन में उन्होंने क्या बोला? सेकेंड लाइन में उन्होंने कहा कि विल बी हार्ड वर्किंग, मतलब हम लोग लायर नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, हम लोग मेहनती होंगे, हैं हम लोग मेहनती, हम लोग सच बोलने वाले हैं, हम लोग सच बोलने वाले, सब क्वालिटी हम लोग से मैच करा देगी. विद अ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. ये लाइन दोनों लाइन एक साथ पढ़ने का. देखिए, बालू समझते हो? बालू देखे हो? नहीं देखो तो निकल के देख लेना, बिल्डिंग में तो बहुत जगह गिरा. बालू में अगर पानी को फेंकिएगा तो क्या होता है बताइए? एक्सीलेंट, पानी को सोख लेता है, पानी खो जाता है कहीं. बालू में अगर पानी को डालिएगा तो पानी कहीं खो जाता है बालू में. यस नो गाइस? तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लोग ऐसे नहीं होंगे जिनका सोच, जिनका माइंडसेट कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं में जाकर के खो जाएगा. मतलब हम लोग क्या, जैसे आप लोग यंग जनरेशन के हो तो आप लोग का एक माइंडसेट है, पर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा कि आपके पापा जो बोल रहे हैं, आपके दादाजी जो बोल रहे हैं, उसमें खो जाएगा आपका माइंडसेट.
आप अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं रहे हो, एकदम हेबला होके बैठे हुए हो, ऐसा देशवासी का वो कल्पना नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो लोग होंगे ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पे लोग रीजनिंग पावर होगा लोगों के पास, दे शुड बी थिंकिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम लोग के देश के जो लोग होंगे ना, वो लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर सोचने समझने का क्षमता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। Into the dairy desserts stand of dead habit. Dead habits मतलब old customs. हम लोग old customs, old परंपराओं के जंजीरों में बंधे हुए नहीं होंगे। पुराना जमाना का परंपरा, पुराने जमाना का सोच, पुराने जमाना का माइंडसेट हम लोग का पाँव को जकड़ के नहीं होगा। हम लोग सोचने वाले लोग होंगे, हम लोग सही गलत का फासला समझने वाले लोग होंगे। वी ऑल शुड नॉट बी बाउंड बाई द ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड ट्रेडिशंस। ओल्ड कस्टम, ओल्ड हैबिट, ओल्ड ट्रेडिशन को उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? डेड हैबिट। पुरानी परंपराओं से आप झगड़े हुए नहीं होंगे, पुरानी परंपराओं के जंजीरों में नहीं होंगे। आप सोचेंगे, आप समझेंगे, आप समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा देश होगा मेरा। ये रविंद्र टैगोर जी ने कहा था। विद द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, और हमारे एक ऐसा देश होगा हम लोग का जहां पर हम लोग के माइंड को गाइड कौन कर रहा होगा, हमारा लीडर कैसा होगा, हमारा लीड, हमको लीड कौन कर रहा होगा, हमको लीड करने वाला दी होगा। दी रेफर्स टू गॉड, दी रेफर्स टू गॉड। यहां पे दी किसको बोला गया है? गॉड। हमारा लीडर कौन होगा? हमारा लीडर क्या होगा बताइए? भगवान। भगवान हम लोग का लीडर होंगे, भगवान हम लोग को गाइड कर रहे होंगे इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। और भगवान हम लोग को गाइड करके एक ऐसा जगह पे लेके जा रहे होंगे जहां पे हम लोग ब्रॉडली सोच रहे होंगे, वाइड एक्शंस कर रहे होंगे, ग्रेट अचीवमेंट्स की तरफ रहेंगे, ऊंचाइयों में उड़ रहे होंगे, चांद में जा रहे होंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे देश को एक ऐसा दुनिया बनाओ जिसमें स्वर्ग का हो और वो उसमें ये सारे क्वालिटीज हो। मतलब जिस दिन हमारे देशवासियों के अंदर ये सारा क्वालिटीज आ जाएगा, ऐसा होगा कि हम लोग हेवन में रहते हैं। किसमें रहते हैं बाबू? हेवन। तो उन्होंने एक ऐसा कंट्री के बारे में बताया था। सोचो, जो सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था, आज का इंडिया वही जो आप देख रहे हो। अच्छा, इसमें जितना क्वालिटी है, लगभग मैक्सिमम क्वालिटी आज के डेट में इंडिया में है, मैक्सिमम क्वालिटी। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। एक, आप अगला दिन जब आओगे ना, आप कॉपी लेके आना, इसका की पॉइंट्स बनाएंगे, खत्म। की पॉइंट्स बताए, मेन मेन एमसीक्यू का पॉइंट्स, वो सब आपको हम अभी पूछ ले रहे। बताइए, हु रोट दिस पोएम? बोलो ना, हु रोट दिस पोएम? कमेंट करो यार, जो लोग यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, कमेंट करो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। आ जाओ, तो जल्दी बताओ। तो भाइयों और बहनों, हु रोट दिस पोएम? कमेंट करो बाबू, हु रोट दिस पोएम? ओके, और बताइए, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज लव पोएम, रोमांटिक पोएम या फिर पैट्रियोटिक पोएम? वेरी गुड। अच्छा बताइए, द इंडियन पीपल विल बी, हम क्वेश्चन पूछे, इंडियन पीपल विल बी फियरफुल या फियरलेस? एक्सीलेंट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, वी विल बी होल्डिंग आर हेड हाई, लो, मीडियम, क्या? हम लोग अपना सर कहाँ रखेंगे? ऊंचा। हेड, देखिए, हेड इज हेल्ड हाई का मतलब रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रह रहे हैं। आज के डेट में कोई हम लोग देश के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, कोई हम लोग देश को गाली नहीं दे सकता है, और देगा तो उसका खिला शेष। बात समझे? इतना पावरफुल हम लोग है, बात समझे ना उसके। देखिए, अच्छा अभी क्या बताओ, एक हम लोग का देश जो होगा अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, वहां पर क्या कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे कि सब पढ़ा लिखा होगा, जैसे आप लोग हो? ओके, हम लोग का देश जो है बटा हुआ होगा क्या? धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड के नाम बटा होगा? बटा नहीं होगा। बट ये वाला क्वालिटी अभी भी पूरा पूरी नहीं है हम लोग देश में। अभी भी बहुत जगह लोग क्या है, धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पर लड़ते हैं। बड़ा अच्छा बात किसी ने कहा था कि अगर आपको किसी देश को तोड़ना है तो डिवाइड देम इन द नेम ऑफ रिलीजन। अगर किसी देश को बांटना है, तोड़ना है, तो कुछ मत करिए, धर्म के लिए लड़ाइए। इंसान धर्म को लेके बड़ा पॉसेसिव होता है। पीपल आर वेरी, यू नो, रिलीजियस पॉसेसिव। रिलीजियस मतलब आदमी अपना धर्म को लेके सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए अगर देश में दंगा करना है, मारपीट करना है, लड़ाई करा दीजिए, देश अपने आप टूट जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बाहरी ताकत आपको नहीं कमजोर करता है। आप देखो, अगर कोई बाहर का आदमी हमको मार दे तो तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ तो तब होता है जब दर्द अपने देते हैं। अपने मतलब कौन? देश के लोग। अपने लोग जब दर्द देते हैं ना, तो तकलीफ होता है। बात समझे? आपके देश के अपने लोग तकलीफ देते हैं। बाहर के लोगों का डर हम लोगों को नहीं, डर तो कुछ उन लोगों से है जो हम लोग का देश में रहते हैं, हम लोग का देश में रह करके हम लोग देश में खाते हैं, पीते हैं, और हम लोग का देश को ही गाली देते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों से। बात समझ रहे ना? वैसा लोग नहीं रहना चाहिए देश में। बात समझ रहे?
where the words come out from the depth of the truth. और इंडिया के लोग क्या होंगे, झूठे होंगे कि सच्चे होंगे? आप लोग की तरह जो एकदम सच बोलते हो, झूठ कभी नहीं बोलते हो, झूठ बोलने से पहले आप लोग चार बार सोचते हो झूठ कैसे बोले। अच्छा, इंडिया के पीपल लेजी होंगे ना हार्ड वर्किंग होंगे? हार्ड वर्किंग। और किसके लिए काम कर रहे होंगे? परफेक्शन। किसके लिए बोलो? अच्छा, इंडिया के लोग, कोई लोगों के अंदर रीजनिंग पावर होगा ना, जो जैसा बोल देगा उसको मान लोगे, रीजनिंग पावर होगा। हम लोग अपना व्यवहार को उस पानी की तरह नहीं बनाएंगे जो जाकर के बालू में समा जाता है। उस पानी की तरह आपको अपना माइंड नहीं रखना है कि बालू में जाकर के बालू में खो जाते हैं। नहीं, आपका दिमाग जो होगा वो साफ सुथरा झरना की तरह होगा। झरना देखे हो? झरना देखे हो? नहीं देखे हो? ओके, झरना देखोगे, झारखंड में बहुत मिलता है। तो झरना का पानी एकदम साफ, क्या बाबू? साफ। उस झरना के पानी की तरह आपका सोच होगा, झरना का पानी की तरह आपका माइंडसेट होगा, एकदम क्लियर स्ट्रीम, साफ सुथरा। कहीं बालू में जाके खो मत जाना बाबू, प्लीज। उसके बाद डेड हैबिट का मतलब क्या होता है? ओल्ड हैबिट्स। क्या हो गया बाबू, बताओ? अच्छा बताइए, हम लोग को लीडर कौन होगा? हम लोग का लीडर कौन होगा? हम लोग का लीडर कौन होगा? गॉड। हियर दी रेफर्स टू, आया था इस बार क्वेश्चन, दी रेफर्स टू। अच्छा बताइए, और हम लोग का देश, देश नहीं होगा, स्वर्ग होगा। स्वर्ग क्या होगा बाबू? स्वर्ग, स्वर्ग है। हम लोग का देश स्वर्ग होगा नहीं, स्वर्ग है, क्योंकि जब उन्होंने लिखा था तब उन्होंने ये सोचा था, और आज जिस डेट में हम आपको ये पढ़ा रहे तब ये एक्चुअली है। तो जो उन्होंने सपना देखा था, आज पूरा पूरी हर एक क्वालिटी आपको इंडिया में मिलता है। सिर्फ दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कौन है? इंडिया। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश क्या है? इंडिया। और जो ड्रीम उन्होंने देखा था आज से 50 साल 100 साल पहले, आज देखिए हर एक चीज को हम लोग पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, और आज हम लोग का देश इन सारे पैरामीटर्स पे खड़ा है, और हम लोग वर्ल्ड का सबसे अच्छा कंट्री। समझ गए बाबू? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खत्म हो गया आप?